उत्तराखंड से सांसद नरेश बंसल ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में जबरन धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। सांसद ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है कि देश में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कोई कानून नहीं, इसलिए देशव्यापी कानून बनाने की बहुत आवश्यकता है। राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है, इस विषय पर मेरा स्पेशल मेंशन है। ये बेहद गंभीर मामला है। फिलहाल देश में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए देशव्यापी कानून बनाने के लिए आवश्यकता है। सांसद ने स्पेशल मेंशन में कहा कि लालच, धोखा या बलपूर्वक किया जाने वाला धर्मांतरण खतरनाक और गंभीर मुद्दा है। इस तरह का धर्मांतरण नहीं रोका गया तो जटिल स्थितियां पैदा हो सकती है। लालच, धोखा या बलपूर्वक किया जाने वाला धर्मांतरण खतरनाक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यदि इस प्रकार का धर्मांतरण नहीं रोका गया तो जटिल स्थिति पैदा हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ यह नागरिकों के धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के लिए खतरा बन सकता है। सांसद ने कहा कि धर्म की आजादी हो सकती है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की कोई स्वतंत्रता नहीं। अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई तो जल्दी ही भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। देश में काला जादू, अंधविश्वास, चमत्कार आदि के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं हर हफ्ते सामने आती हैं। एक भी जिला ऐसा नहीं है जो धोखाधड़ी व धमकी से धर्मांतरण से मुक्त हो। धर्म की आजादी हो सकती है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की कोई स्वतंत्रता नहीं है।